पाकिस्तान और भारत की तरफ से भी रेस्क्यू टीम्स जो है वो पहुंच गई हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा वी रियली टाइमली हेल्प ऑफ इंडिया टाइमली बिकॉज एज यू एज आई दस्ट फोर्थी एट आवर्स थे और की जो डील है, उसे हिंदुस्तान ने रोका हुआ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को आई एम एफ से पैसे नहीं लेने दे रहा या दूसरे मानो में आई एम एफ को कह रहे हैं इन्हें नहीं देना पैसे जावेद भाई क्यों बुला मान ले क्या हो गया बुला लगा तो थो थोड़ी ठीक है और जावेद भाई क्यों परेशान हो रहे यार? ये देखो ना तुम्हारे लिए लाया हूं। ये देखो प्याज ये सिर्फ प्याज नहीं है ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है पाकिस्तान में अगले पंद्रह रोज में जलजला आएगा अब देखें हिंदुस्तान असल में वही पॉलिसी इख्तियार कर रहा है जो चाइना ने की ये चाह रहे चाइना की नकल कर रहे कि जी हमने लड़ना नहीं है हमने मीशत के जरिए तबाह करने हैं अपने तमाम दुश्मनों को और मामला दुरुस्त करने हैं अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे ऐसा हो लेकिन आज पोटेंशली वो दिन है कि जजला आ सकता है और इसकी कोई पहले से की गई थी वैसे भी देखिए अब लड़ने की पोजीशन में हिंदुस्तान के साथ हम रहे नहीं इस्टेब्लिशमेंट और आले शरीफ की बका भी इसी में बात मान लें क्योंकि दोनों ब्लेंडर मार चुके हैं एक मिसकैलकुलेशन कर चुके हैं दूसरे ब्लेंडर मार चुके हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकता इतनी जल्दी Uh, we really appreciate uh, uh, the sincere and uh, timely uh, help of India. It is timely because, as, you, as I said, uh, the first uh, 48 hours up to 72 hours are very important for rescue operations, and Indian experts, uh, uh, search and rescue experts, are now in the uh, field. कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे टर्की अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी अगर तो ये न्यूज ठीक है तो बड़े अफसोस की बात है ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं तो उसमें टर्की की तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी और एयर स्पेस देनी चाहिए थी लेकिन अगर ये खबर फेक है तो जो लोग ये खबर फैला रहे हैं जो कि जाहिर है कि मैंने इंटरनेट पे न्यूज़पेपर्स वगैरह में ही देखा है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर यही कहना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो दूसरों की मदद कीजिए ना कि उनके रास्ते में जो है वो मजीद प्रॉब्लम्स खड़ी की जाए तो मेरे ख्याल है ऐसी कोई जब सूरत हाल होती है ऐसी कोई कंडीशन होती है दुनिया में कहीं भी तो ऐसे वक्त में चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई जो कि एक अफसोसनाक बात है और हरगिज मैं और मेरे जैसे लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान आपका और मेरा सबसे प्यारा पाकिस्तान अजीम शान पाकिस्तान ठीक है जी अब आपको पता है जय शाह और नजम सेठी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई फिर भारत ने बोला कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे और यार देखो भारत ने गलत क्या बोला मैं आपसे जानना चाहता हूं भारत ने गलत क्या बोल दिया यार कौन ऐसा पगला है जो पाकिस्तान जाना चाहेगा खुशी खुशी पाकिस्तानी मैंने क्या बताया था आपको कल पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते यार इनके आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते जिनका काम है पाकिस्तान की दिफा करना पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना वो इनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते तो जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है जिनके पास इतना पैसा है करोड़ अरबपति हैं सब कुछ फैसिलिटीज हैं वो पाकिस्तान में रहकर खुश नहीं है यार सो हाउ कैन यू से दैट यू नो कि बाकी सब लोग आ, इस तरीके से करेंगे हाउ इज इट पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल है ही नहीं तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये देखिए जावेद मियादाद बीच में आ गए भारत ने मना कर दिया जावेद मियादाद का आ, बीच में आ गए और भारत को बोला गो टू हेल कह रहा है कि इफ इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू कम वी डोंट केयर गो टू हेल अच्छा ये ना जावेद मियादाद मैं आपको बात बताना चाहता हूं इसने बोल दिया गो टू गोटोहिल जावेद मियादाद का संधि आपको पता है कौन है दाऊद इब्राहिम जावेद मियादाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी इनकी शादी है तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था जो कि था एक्चुअली एक जमाने में लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता इसका कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका संधि है और यह बंदा उस चीज का पाकिस्तान में पूरा फायदा उठाता है और यह तोतला भी है यह तोतला भी है जावेद मियादाद को कभी बोलते देखिएगा पूरा तोतला है यह राइट और मैं जावेद मियादात ने इंडिया को बोला गो टू हेल्प तो मैं जावेद मियादाद की जबान में जावेद मियादाद को कुछ समझाना चाहता हूं जावेद भाई क्यों बोला मान ले गया बोला लगा तो ठीक है और जावेद भाई क्यों परेशान हो रहे यार ये देखो ना तुम्हारे लिए लाया हूं ये देखो प्याज ये सिर्फ प्याज नहीं है ये पूरे पाकिस्तान की जी है तो जावेद भाई दिल बुरा मत करो इंडिया गो टू हेल फलाना गो टू हेल ये बोलने से क्या प्याज खाओ यार मैं भेजता हूं तुम्हारे लिए पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा अपने पास रख लेना भीक मांगने काम आएगा आए? इंडिया को गो टू हेल है जी देख लो जावेद भाई S S G E O S ये एक इदारा है ये सेसमिक एक्टिविटी को सेसमिक एक्टिविटी कहते हैं जमीन के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी होती है ना जैसे आप यू कह लें कि जजलों की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है ये ये इदारा ठीक है जनाब इसने तीस जनवरी दो हजार को एक पोस्ट लगाई और वो पोस्ट आपके सामने है ट्विटर पे वो तो कहता है कि पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉगर सेसमिक एक्टिविटी इन और नियर द पर्पल बैंड वन टू सिक्स डेज दिस इज एन एस्टिमेट अदर रीजन आर नॉट एक्सक्लूडेड अब उसने अब आप मैप को देखें तो उसने मैप पे दो लकीरें लगाई हुई हैं नाजरीन एक लकीर गुजर रही है चाइना से होती हुई श्रीलंका को क्रॉस करती हुई इंडिया का कुछ हिस्सा क्रॉस करती हुई नीचे समंदर तक जा रही है और एक एक्टिविटी एक लकीर अगर आप देखें नाजरीन वो अफगानिस्तान से शुरू हो रही है पाकिस्तान का पूरा इलाका क्रॉस करते है। मतलब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का को कोई हिस्सा बचाओ पाकिस्तान का पूरा इलाका क्रॉस करते वो नीचे समंदर तक जा रही है नाजरीन ये लकीर है ये दो लकीरें बता रही हैं कि ये दो मकाम हैं जहां पर अगले छः दिन के दौरान जजला आ सकता है ये इन मकाम पर आ सकता है अच्छा अब ये पोस्ट कब लगाई गई थी ये लगाई थी तीस जनवरी को आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज है 6 फरवरी तो आज वो आखिरी दिन है कि जिस दौर दिन जजला आ सकता है अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे ऐसा हो लेकिन आज पोटेंशियली वो दिन है कि जजला आ सकता है और इसकी पेशगोई पहले से की गई थी